हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे डिजिटल एकेडमी क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा नवी के गणित पढ़ाएंगे। कक्षा नवी के गणित में आज हम आप लोगों को अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। संख्या पद्धति के बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा आज हम थोड़ा बेसिक बताएंगे और उस प्रश्नावली 1.1 भी बताएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 0 से चलना प्रारंभ करता है। 0 से चलना प्रारंभ करता है ये कोई व्यक्ति है, 0 से चलना प्रारंभ करता है। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 अनंत तक चलता जाता है। और इधर 0 से प्रारंभ करता है तो -1, -2 कहीं भी अनंत तक जा सकता है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए और कुछ बेसिक बताते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इस प्रश्नावली को समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए बताते हैं प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं इसकी। गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ये उदाहरण आपके सामने है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसलिए आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को ये बेसिक नहीं मालूम होगा तो प्रश्नावली 1.1 आप नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, दूसरा नंबर, पूर्ण संख्या, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को, यानी जो 0 से प्राकृतिक संख्या प्रारंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 यानी जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बस यही डेफिनेशन में लिखना है तो लिखिए, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक।
यहाँ पास लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक, ये वाले एग्जांपल में भी आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p अपान q के रूप में तथा q डज नॉट इक्वल जीरो के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम समझाते हैं। उदाहरण जैसे 3/5, 1/2, 4/3 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्याएं। आइए हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग समझिए। ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू कामा क्यू डज नॉट इक्वल जीरो के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 1/2, 4/3, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। तो दोस्तों आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। तो आइए इसका अगला टॉपिक अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं उसे समझते हैं। ठीक इसके अपोजिट, जैसे आप लोगों ने अभी परिमेय संख्या पढ़ा, ठीक इसके अपोजिट अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसे हम p अपान q तथा q डज नॉट इक्वल जीरो के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं, फिर उदाहरण समझाते हैं। जिन्हें p अपान q तथा q डज नॉट इक्वल जीरो के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/0, 3/0, 5/0 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्या हैं, जहां p तथा q एक पूर्णांक है। अब आइए आप लोगों को बताते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक के बारे में जान लें, फिर उसके बाद प्रश्नावली में चलते हैं। पूर्णांक पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। या एक परिभाषा और बोल सकते हैं, जिन्हें हम दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, जो दशमलव के रूप में ना लिखी हूं, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। आइए इसकी थ्योरी लिख देते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो, इन्हें
पूर्णांक कहते हैं। ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में न हो, चाहे वे धन में हो चाहे वो माइनस में हो, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से ऐसे होते हैं, उदाहरण 3/5, 4/5, -2, -3 इत्यादि, डस इनफाइनाइट तक, ये सभी पूर्णांक हैं। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए हम प्रश्नावली 1.1 डिस्कस करते हैं और इसके सभी सवालों को हल करेंगे। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल जीरो है, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो समझिए, पहले प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। अभी हमने आप लोगों को बेसिक में बताया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ लिख सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है, क्यों है, क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ इसे लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे हल, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है, चूंकि शून्य को हम जीरो अपान वन लिख सकते हैं, क्योंकि जहां क्यू है वो हमारा हर है जो एक है, क्योंकि क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। चूंकि जीरो को हम पी अपान यानी जीरो अपान वन के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या कहता है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लोग परिमेय संख्याएं जानते हैं, हमने अभी बेसिक परिचय में बताया है। तो चलिए आइए, जैसे 3 और 4 के बीच 6 क्या, हम अनंत परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। जैसे ये 3 है, पहले आप इसे आप एक संख्या रेखा पर दर्शा लीजिए, यहाँ 4, अगर हम 3 में 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कर देते हैं, 10 से गुणा और 10 से भाग, तो ये बराबर आ जाएगा 40/10, ये आ जाएगा 30/10। तो इसके बीच की हमें परिमेय संख्या बतानी है, तो ये हो जाएगा 31/10, ये हो जाएगा 32/10, ये हो जाएगा 33/10, 34/10, 35/10, कितनी बतानी है, 36/10, 6 बतानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गई, और भी निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 31/10, 32/10, 34/10, 35/10, 35/10, 36/10 है।
नोट कर लीजिए इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक इसी प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर वही बात पूछा, तो आइए करते हैं। 3/5 ऐसे लिख लेंगे, ये बना लिया हमने संख्या रेखा। 4/5 कुछ नहीं करना, फिर इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करना, फिर इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करना, ये कितना हो जाएगा 30/50, ये हो जाएगा 40/50। तो देखिए फिर वही प्रकार, इसमें 5 ही बताना है, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, हो गई 5, हम और भी बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार फिर लिख लेंगे, आता 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निम्न है, निम्न का मतलब कई है, यानी 5 निकाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 31/50 और 32/50, 33/50 कमा 34/50 कमा 35/50, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, एक बचा है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला समझते हैं। ये हमारे प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पी है, इसे हमें अपने, देखिए क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर बताइए, हमें कारण के साथ बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या हमने बताया है जो गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जो 0 से प्रारंभ होती है, बाकी वही प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से लेके 0 से प्रारंभ होती है जो, उसे प्राकृत वो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रत्येक हल नंबर 1 यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसमें लिखेंगे सत्य है, और इस प्रश्न में कहा है कारण के साथ बताइए, तो कारण क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि पूर्ण संख्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की संग्रह में, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक हमने बताया है धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है, परंतु क्या नहीं हो सकता, दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या केवल 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है और निगेटिव नहीं होती, तो यहां हम लिख सकते हैं दूसरा नंबर डाल के, ये पहला हो गया, दूसरा असत्य है, असत्य है, ये वाला ऑप्शन हमारा असत्य है, ये सत्य है। तो कारण भी देना हमें, यानी क्यों पूर्ण प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यहाँ कारण हम ऐसा देंगे, देखिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक मान लीजिए यहाँ -2 है, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है,
माइनस दो एक पूर्ण संख्या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं, जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके। और पूर्ण संख्या आप जानते हैं जो जीरो से प्रारंभ होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है और सबसे कहाँ गई सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी गिनती करने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती करने वाली संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, वन से। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या वन होगी। तो आइए समझते हैं ये वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ठीक है, लिखेंगे तीसरा नंबर असत्य, असत्य। अब क्यों क्यों नहीं होती प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या? तो लिखेंगे क्योंकि एक बटे दो एक पूर्ण संख्या नहीं, एक बटे दो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पॉइंट में करके आएगा, जीरो पॉइंट पॉइंट करके आएगा, इसीलिए वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। इसी प्रकार हमारी अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।